जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उन भारत के वीर सैनिकों को दिल से सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ना होली ना दिवाली, सबसे पहले सीमा की रखवाली। जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, BSF रिक्वायरमेंट 2021 के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिना एग्जाम दिए BSF में भर्ती हो सकते हैं। सुनने में दोस्तों आपको जरूर ही अजीब लग रहा होगा कि भाई कैसे बिना परीक्षा के हम कैसे BSF में भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, BSF में आप बिना परीक्षा के भर्ती हो पाएंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप कंप्लीट वीडियो को विजिट करते हैं तो आपको बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा कि वीडियो दोस्तों कैसा है। ठीक है, मैं आप सभी से एक बात जरूर बोलूंगा कि ये जो वैकेंसी है ये दोस्तों कोरोना काल में अर्जेंट आई है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से दोस्तों अर्जेंट होंगी। बिना एग्जाम दिए आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, ओनली दोस्तों आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आए ये अधिकारी रैंक के लिए है। ठीक है, अधिकारी रैंक के लिए वैकेंसी रहने वाली है, ना कि दोस्तों कांस्टेबल GD के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले भी कि फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये GDMO के लिए रहने वाली है। अब ये GDMO क्या है दोस्तों? GDMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होता है, जो BSF में दोस्तों इनकी यहां पर पोस्ट होती है। इनकी सैलरी की दोस्तों बात कर ले तो भाई सैलरी इनकी 85,000 रुपए होती है, यानी 85,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलने जा रही है, वो भी दोस्तों बिना परीक्षा दिए। अब फ्रेंड्स, आप इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ दोस्तों डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे साइड में आप यहां पर देख पाएंगे सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें आपके जो पद रहने वाले हैं वो 85 इसमें पद रहने वाले हैं। ठीक है, 85 पदों पर दोस्तों वैकेंसी होने वाली है, 85 पदों पर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी में आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए, आप दोस्तों इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए या आपके पास 2 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट में दोस्तों 1 साल का आपको यहां पर जो है आपने कहीं ना कहीं दोस्तों 1 साल अपना कहीं यूज किया हो और 2 साल आपने दोस्तों डिप्लोमा में यूज किया हो, वो दोस्तों आपका यहां पर जो है अनुभव होना चाहिए 2 साल के डिप्लोमा में, 1 साल का दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपका जो है इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, ना ही आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही आपको कोई यहां पर रनिंग करनी है, बस दोस्तों आपको यहां पर इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में सारी जो नॉलेज है वो आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 21 से लेकर 30 जून तक इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 21 से 30 जून तक इसका इंटरव्यू होगा और दोस्तों 89 इसमें पद रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 89 पद रहने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 27 जो पद हैं वो स्पेशलिस्ट के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 62 जो पद हैं यानी 62 पद जो हैं वो GDMO के लिए रहने वाले हैं, यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशलिस्ट की जो सैलरी होगी वो 85,000 रुपये होगी और GDMO वालों की जो सैलरी होगी वो दोस्तों 75,000 रुपए तक होगी। साइड में आप दोस्तों चेक कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं, बात क्या है वो सुनिएगा सही से। बात यह है कि भाई कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वीडियो फेक तो नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है, यहां पर आप चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों ये जो यहां पर PDF है, यहां पर जो लिंक है ये मैंने लिया है, इसका दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वहां पर जाकर दोस्तों आप चेक कर पाएंगे कि भाई ये रियल है या फेक है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है और आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किस वैकेंसी का वेट है और आप किस वैकेंसी के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों बिल्कुल वीडियो आएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो जरूर कर दीजिए। तब तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।